ओके बना लो। ओके। सो हिम्मत स्पेंड करेगा मेरे साथ अराउंड 1 आवर, वो स्टडी करेगा। मैं वीडियो का एडिट करना शुरू करूँगी। वीडियो मुझे आज नहीं अपलोड करनी, कल भी नहीं करनी, परसों करनी है। सो पर मैं एडिट करना शुरू करूँगी। थोड़ा काम आज करेंगे, थोड़ा कल करेंगे। वैसे हम पहले आने वाले थे, ये काम हम शुरू कर लेते हैं अराउंड 5, 5:30 के करीब, पर हम लोगों ने ना एक डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू कर दिया, जो वो थी जिसमें एक प्लेन क्रैश हुआ था एंड मॉम की डेथ हो गई थी और 4 बच्चे मिल नहीं रहे थे कोलंबिया में अमेजोनियन जंगल में, एंड फिर वो बच्चे मिल गए 40 दिन के बाद, वो वाली। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग। एंड या देखा, मैं सोच रही थी थोड़ा देखते हैं फिर चले जाएंगे, पर नहीं, हमने पूरी देख ली एंड हिम्मत लव्ड इट वे टू मच, स्पेशली जब बच्चे मिल गए ना, बड़ा मज़ा आया। जब भगवान आपको लाइफ देता है ना, तो आपको कोई मार नहीं सकता है, तो आप इतने ख़तरनाक जंगल में भी सेफ रहेंगे। और अगर आपके मरने का समय है तो आप घर के कंफर्ट में बैठे बैठे भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। सो इट्स ऑल गॉड। सो या वो हमने देखा है एंड अब मैं अपना काम करूँगी थोड़ा सा। मिमी और ना तो चुप करिए, बंदा बन के काम अपना शुरू कर ला। Your time didn't even start yet. सो हिम्मत का जाने वाला है टूर किसी म्यूज़ियम में, साइंस म्यूज़ियम में, तो मुझे अभी इसने पेपर ला कर दिए हैं सिग्नेचर करने के लिए। एंड हिम्मत सेड ही डजंट वांट टू गो। मिमी यू वांट टू गो और नो? यू वांट टू गो? ओके। तो या जब ये थोड़ी दूर लेके जाते हैं ना स्कूल वाले, तो सारा चीज़ें साइन करनी पड़ती है, मेडिकेशन, एलर्जीज, एनीथिंग जो स्कूल को ज़रूरत है, ताकि कल नू कोई रिस्क ना हो। दे सेड, डू यू हैव एनी कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ? आई एम गोना से नो। डू यू हैव एनी अदर कंसर्न्स अबाउट योर चाइल्ड्स रिलेशन टू द ट्रिप? नो। Okay, I think this trip gonna be a long one, क्योंकि थोड़ी दूर है ना। I mean we do spend the whole day there. Yeah, so you need all sort of snacks. Teacher दिया सारी instructions नो follow करी, अपनी मस्ती देना इधर उधर ना चल जी, समझ आया? बंदा बन के रही, बंदा बन के रहने का पता तेनू की मतलब होंगे? मीन डोंट डू एनीथिंग बैड। सो मैं तेरे ट्रिप द प्रे कर दूं? ओके। रिस्क केड़े केड़े आ? स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, गेटिंग लॉस्ट, प्री एग्जिस्टिंग, नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बीइंग फिल्म्ड और फोटोग्राफ्ड, एक्सपोजर टू वायरसेस, इंट्रैक्शन विद अनइंटेंडेड विद द जर्नल पब्लिक। मैंने कोई इंट्रैक्शन नहीं करनी स्ट्रेंजर्स के नाल, एंड टीचर्स के नाल ही रहना। ओके ओके। सो आ टीचर नू दे दी अपनी, फिर यू आर रेडी टू गो ऑन अ ट्रिप, मेक गुड मेमोरीज। ओके, जो असी बच्चे ही ना, व्हेन वी वर किड, इट वाज वेरी हार्ड टू मेक आवर पेरेंट्स अग्री टू लेट अस गो ऑन अ ट्रिप। दे एवरी टाइम दे से नो, इवन इफ इट्स फ्री। सो या कितना मुश्किल होता था ना पेरेंट्स को मनाना, मैं कहीं पर ट्रिप जाना है। ट्रिप जाते कहाँ थे, बहुत ही नज़दीक जाएंगे, 1-2 घंटे, 3-4 घंटे वापस आ जाएंगे, पर नहीं नहीं जाने देते थे। तो या दैट्स द स्टोरी। आई होप यू गोना हैव फन। यू एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप? व्हाट डज एनएमी मीन? नॉट एप्लीकेबल। नॉट
दिस इज़ नॉट फॉर यू दैट मीन मीमी और तेरे फ्रेंड्स ने जाना उन्हें जाना प्यारिये तो क्या हैगा कि जो भी मैं नेक्स्ट टाइम एप्पल खाऊंगी पहले तो उन्हें कट के दूंगी फिर खाऊंगी मैं तो खाना बंद रहा हूं तुम ही इतना खाओ सो अर्लियर मैं वीडियो बनाने की कोशिश में थी पर मेरे बैटरीज डेड होगी फ़ोन की तो मैंने बनाई नहीं पर तब हमने खाना खाया था मैं सब्जी बना रही थी आलू बीन्स की सब्जी हो गई थी तैयार हमने खाना खा लिया था अराउंड 4:30 और अब 7:40 हुए हैं अब मेरा तो खाने के लिए मन नहीं है मुझे लगता नहीं कि हस्बैंड भी खाना खाएंगे पर मेरे पास राजमा पड़े हैं लेफ्ट ओवर हिम्मत उसके साथ फुलका खाएगा वैसे मेरे पास राइस भी हैं पर वो चूज़ कर रहा है फुलका खाना उसको खिलाएंगे देन क्लीनिंग करेंगे एंड देन मैं आपके साथ बहुत ही क्विक सा स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत कम है 3-4 सो यस वो करेंगे हम लोग हस्बैंड से पूछ लेते हैं अगर वो खाना खाना चाहते हैं तो बहुत तो ही रोटी खानी है ओके ही सेड नो सो जस्ट मी आई एम नॉट गोना ईट Just Mimu gonna eat. Mimu, you want rice or roti? Roti, please. Okay. Why are you so cute? You are a cutie patootie. Hey, ma, tenu kal main lunch de vich paronthi bana ke de da. Butter na. Please, Manu. सोगी नहीं है तेन मैं वधिया तरह रैप करके दूंगी आई विल पुट एक्स्ट्रा नैपकिन अराउंड इट पर फिर मेरे को लंच से देने लिए ऑप्शंस नहीं है और इफ आई हैव दैट रैप आई कैन मेक केसरिया केसरिया इज ओके डिसेंट हुन सोगी दे होना ही है या मैं उत्थे आके उत्थे बना दा तेन रोटी Yeah, very nice. Not possible, not possible. Okay, I'm gonna make quesadilla for you then. Now? Nahin, lunch li kal. In the morning, I'm gonna make. Sorted. Lunch mein cheeze dena bahut zyada confusing kaam hai, kyunki phir wo khata nahi hai. Himmat ko achha lagta hai lunch mein rice. Wo achhi tarah kha leta hai, pasta kha leta hai. और सम डेज मुश्किल ही खड़ी में परांठा भी दे देती हूँ मैं वो भी वो खा लेता है पर वो इतना खुश नहीं होता ठंडी रोटी से पर कल मैं केसरिया बना के दूंगी अच्छी सी सॉस लगा के उसमें चीज़ एंड वो खा लेगा सो हम लोग बेसिकली डिनर करते हैं 4:30-5 के अराउंड एंड उसी समय मैं मेरी किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि इस समय मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्लीनिंग का काम करना पर आज नहीं मैंने किया क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री देखने में समय स्पेंड कर दिया सो अब कर लेंगे जल्दी से राजमा थोड़े गर्म आ ध्यान ना खाएं कल I'm gonna make one extra roti for you. जल्दी जल्दी खा लो फिर आपां सोन तो पहला नहीं नहीं भी करनी है मैंने किसी का कमेंट पढ़ा है कि मैं उनके साथ शेयर करूं लिंक मेरे एप्रन्स के तो मैं उनको बताना चाहती हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अमेज़ॉन स्टोर के लिंक्स हैं जो भी मेरे घर में मैं चीज़ें यूज़ करती हूं वो सारी मैंने कोशिश की है अच्छी तरह डिवाइड करने की उसमें आपको ज़रूर से मिल जाएगा सो वो चेक कर सकते हैं अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है Thank you.
So I'm done with kitchen cleaning. Let's chit chat with husband a little bit. So मेरे husband आज आपके साथ share करेंगे बहुत ही प्यारी सी बातें. उन्होंने कुछ अचीव किया है अपनी जिंदगी में मेडिटेशन को लेके. बहुत अच्छे टीचर हैं वो. सो सर आपकी मेडिटेशन की जर्नी कैसे जा रही है? बहुत ही सुंदर. सो आप किस तरह की मेडिटेशन करते हैं? आप ब्रीद करते हैं, ध्यान यहाँ पे केंद्रित करते हैं, क्या करते हैं सर? I don't focus on anything specific. So दोस्तों जिस बंदे से हमने मेडिटेशन के स्किल्स सीखने थे वो तो लस्सी बनाने लग पे थे आगे. वो गिये की कर दिया चलन दे अपना नहीं प्रोटीन शेक का नवे तरीके ना तो तैनी है तू प्यारी है कि पांडे तो उनते सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है मरदा मरदा क्या ना करता हां ते वो सवाल लगना तो नु तू ही कहना मैं बनाया है दा करना तू तो क्रीम ही काट ली ओदी तो ते कैफे चलवाना मैं ना ओ यार तो वो चंगी तरह चीज तो बढ़िया मत हो यार वो तो बहुत ज्यादा हो गया क्रीम बन गई शेक बन गया थोड़ी ना नेचुरल मैं बोल लेनी वीडियो जिदा अमेज़ोनियन जंगल दे विच हो तो ही तो मैं ना हस्बैंड के साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहती थी मेडिटेशन को लेके पर तब हमारी बैटरी बंद होगी क्योंकि बैटरी भी इजाज़त नहीं देती कि हस्बैंड ना कोई गला किया जाए पर फिर भी हम कोशिश करेंगे इस थोड़े जे एक मिनट में कोई बात करते हैं सर आपकी मेडिटेशन की जर्नी कैसे चल रही है हाँ जी मैं तो बहुत ज़्यादा बिगनिंग स्टेज चाह मैं तो मे बी नर्सरी चाह रही ओके सो मैं एक बार आपको हस्बैंड के बारे में बताना चाहती हूँ वैसे आपकी मेडिटेशन इधर लेवल ये नहीं नहीं ओ ब्रावो ना बहु इतनी शक्ति ना करो नहीं सो हस्बैंड की मेडिटेशन की जर्नी मुझसे पहले शुरू हुई है आई थिंक कोविड के समय में जब सारे काम बंद हो गए थे तो हस्बैंड ने मेडिटेट करना शुरू किया सदगुरु की ईशा क्रिया बेसमेंट में चले जाते थे करते थे अपनी मेडिटेशन एंड हिम्मत भी जा जाता ही सो हस्बैंड की मेडिटेशन की जर्नी कुछ मुझसे पहले शुरू हुई फिर मुझसे पहले हस्बैंड वेजिटेरियन हो गए सो हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो कोई मीट नहीं खाएंगे लाइक उन्होंने मीट खाना क्विट कर दिया कुछ समय के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि फिश खा सकते हैं बट देन वो भी बंद कर दिया मैं वैसे पहले ही बहुत ज़्यादा बिग फैन नहीं हूँ नॉन वेज की आपको पता है थोड़ा कम ही खाती थी पर यार मैंने भी बंद कर दिया फिर सो आज मैं बहुत एक्साइटेड होकर हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप वेजिटेरियन रहोगे फिर हमेशा देख ना मैं खाना खुद ही छड्या तो जे मैं लगूंगा भी तो खुद नहीं लगूंगा ना प्यारी खुद ही लगेंगी वो कोई शक्ति है जो सब कुछ कराउंदी आ चंगा माड़ा मैं कुछ नहीं कर रहा जिंदगी च वो करा रहे हैं कल नु मैं तेनु कुछ कहना भी हां मैं नहीं करता ओके ओना दी मर्जी है सो बंदा क्या एक्शन लेगा क्या वो रब डिसाइड करता है नहीं बंदे की फ्री विल है वो डिसाइड करेगा बट जो बंदा नॉनवेज को बहुत पसंद करता है पर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो बंदे को खाने के लिए मन नहीं करता ये मेरे हस्बैंड कहना चाहते हैं पर ये नहीं है कि किसी की बैड एक्शन है जैसे कह रहे कि कोई बुरे एक्शन लोगे ये मत सोचना कि भगवान ने करवाया वो आप ही कर रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा बारीक सी एक लाइन है कि क्या परमात्मा कराता है और क्या आप करते हो अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें करें कुछ भी ऐसा मत करे जिससे किसी भी बंदे को जीव जंतु को जो भी चीज़ में लाइफ है उसको तकलीफ आए नॉट इवन पेड़ पौधों को मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी बंदा करना चाहता है ना हाँ। और जो भी बंदा करता है मैनू कुछ नहीं पता हजे मैं बच्चा हाँ मैं हजे जमा ही दो साल ओके दोस्तों सो हस्बैंड की कहना चाहते सी उसका कंक्लूजन करते हैं वो कहना चाहते हैं कि जब आप ध्यान के मार्ग पे चलते हैं या अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करते हैं वो एक्चुअली आपके हाथ में नहीं है कोई हेल्प करता है आपको जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं वो अचानक से अल्कोहल पीनी छोड़ देते हैं वो तो कभी भी नहीं छोड़ते अगर वो नॉर्मल तरीके से चलते रहते पर कोई हायर पावर उनकी हेल्प करती है वो चीज़ों को क्विट करने के लिए सो कोई हायर पावर हेल्प करेगी आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आपकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने के लिए और आपको चौंकड़ी मरा के
ध्यान के लिए बिठाएगी वो हेल्प करते हैं, पर आपको भी उसमें वो अग्नि में तेल डालना पड़ेगा कि वो और ज़्यादा भड़के, आपको भी बार बार जाके बैठना पड़ेगा। और ये जो स्थिति है वो बिगिनिंग में नहीं आ जाएगी, आपको बैठते रहना है, बैठते रहना है, बैठते रहना है, जिद 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 के साथ एक दिन बाबा जी आपकी हेल्प करनी शुरू कर देंगे। सो इसीलिए मैंने मेरी मेडिटेशन वाली वीडियो में बताया था कि 40 डेज का चैलेंज लें, क्योंकि 40 डेज में आदत बनती है एंड देन फिर बाबा जी भी हेल्प करने की डिसाइड कर सकते हैं शायद। पर वो 40 डेज में अगर हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं या कोई साइंस नहीं देते हैं तो अनदर 40 डेज करें, अनदर 40 डेज करें, एंड तक करें जब तक वो आपको साइन देने शुरू नहीं करेंगे। और जितने आप प्योर एंड अच्छे एंड क्लीन होंगे उतनी जल्दी वो साइंस देंगे। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सुने, अगर नहीं है तो आपको आपने स्किप कर दिया होगा वो पार्ट, क्योंकि मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहती सेम बातें कर करके। पर ये जो चीज़ है वो आपकी हर लाइफ के पहलू में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि आप हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से करें। सो इसलिए मैं हर बार ये चीज़ें इसलिए बोलती हूँ कि मुझे पता है कि इससे मेरी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस आया है। एंड मेरे YouTube के कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं कौन सी दवाई खा रही हूँ, मतलब दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं या नहीं, और बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं मैं कौन सी दवाई खाती हूँ। तो मैंने पिछले कई सारी वीडियोस में आपको बताया है कि मैंने दवाई खाना बंद कर दिया है, 5 मंथ प्लस हो चुके हैं मैंने दवाई नहीं खाई है। मैंने दवाई खाना क्यों बंद कर दिया मुझे भी नहीं पता क्यों बंद कर दिया। एक दिन अचानक से मेरा मन किया मैं नहीं खाऊंगी, और 2-3 बार मुझे खाने का याद नहीं रहा, ऐसे मतलब मिस हो गई मुझसे 4-5 बार, फिर मैंने अगला हफ्ता नहीं खाया, फिर अगला नहीं खाया। देन मेरा इस अध्यात्म में इतना ज़्यादा विश्वास था कि सदगुरु बोलते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं कि हर एक बंदे को हक है अच्छी लाइफ जीने का, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खुशनुमा लाइफ जीने का। सो अगर आप डिसाइड करें कि आपको अपनी डिज़ीज़ को हील करना है तो वो होता है। तो मुझे लगा कि मैं इस मार्ग पे हूँ, क्यों ना मैं अपनी दवाई को ना कंटिन्यू करूँ और मैं अपनी हेल्थ को हील करने के लिए ध्यान का माध्यम चूज़ करूँ कि मैं इस तरीके से क्या मैं हील हो सकती हूँ। सो ऐसे ही सोच के साथ मैंने दवाई खाना बंद कर दिया। 5 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने नहीं खाई है। मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा कि मुझे खाना शुरू कर लेना चाहिए एकदम से, मैं नहीं बंद करना चाहिए। बट यस, ये सारे मेरी अपनी मर्ज़ी से स्किप करने के बाद भी मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए, मेरी जो भी कंडीशन अर्लियर थी वैसे ही मतलब स्टॉप लग गया बीमारी पे, आगे बढ़ी नहीं है। आई डोंट नो ये मेरा जो प्लान था वो अचानक से आया, मैंने कोई डिसाइड करके नहीं किया कि अब मैं दवाई खाना बंद कर रही हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद से ले रही हूँ, ऐसा नहीं किया मैंने, ऐसे फ्लो के साथ हो गया। एंड अब मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अगर कोई डिज़ीज़ से जा रहे हैं तो दवाइयाँ खानी बंद करें और ध्यान करना शुरू कर दें, क्योंकि ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्लो के साथ होता है एंड बहुत भाव के साथ होता है। अगर आपके अंदर फियर होगा कि ध्यान मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बीमारी हील होगी तो शायद नहीं होगी, पर अगर आप ध्यान के एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहाँ पे आप अपने शरीर को कमांड देने के काबिल हैं कि ओके अब तुम बीमारी को जाने दो, मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मुझे सेहतमंद रहना है, शायद आपका शरीर सुनेगा भी। तो दवाइयाँ खानी बंद मत करें, मेरी बात में आके खाते रहें, पर यस ऑन द अदर पाथ नेचुरल तरीके से स्पिरिचुअल वे से अपने आप को हील करने की भी कोशिश करते रहें। सर्टन पॉइंट पर अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने फील किया, तब आप बंद कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर बिकेज मेरे डॉक्टर ने मुझे अगस्त में रेकमेंड किया था कि मैं दवाई खाना शुरू कर दूँ और प्रिस्क्रिप्शन भी दिया था, मैंने अभी भी खाना शुरू नहीं किया है, अभी नवंबर का एंड ही आ चुका है, पर शायद मैं खाना शुरू कर दूंगी लेटर। बट सो फार मेरी हेल्थ अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है, सो यस मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ एंड कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एंड पेन मेरे बॉडी में थोड़ा बहुत रहता है, ऐसे मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी चुस्त फुरुस्त नहीं हूँ, पर वैसी ही मेरी हालत है जैसी मेरी दवाई खाते समय थी, क्योंकि इस दवाई अगर आपको कोई डिजीज़ होती है तो दवाई खाने से वो एकदम ज़ीरो नहीं हो जाती है, थोड़ी कंट्रोल रहती है पर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वैसे ही मेरी कंडीशन अब है। कभी कभी मेरे हैंड्स में दर्द होता है थोड़ा बहुत, पर ऐसा नहीं है कि मैं उठ भी नहीं पाऊंगी। सो रब की दया है कि वैसा सही हो गया, पर शायद मैं दवाई खाना कंटिन्यू करूंगी, पर अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कब, मे बी
अगले महीने या मैं भी 2-3 महीने बाद शुरू करूंगी, पर अगर मैं दवाई खाना शुरू करूंगी तो मैं आपको अपडेट करूंगी। बट सो फार आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग एनी दवाई, एंड अभी मेरा कोई प्लान भी नहीं है दवाई खाने का, बिकॉज आई एम हैप्पी वेयर एवर आई एम। सो यस, ये रीज़न है कि मैंने दवाई खाना क्यों बंद किया। क्या मैं आपको रेकमेंड करूंगी? आपको पता है कि आपकी सेहत कैसी है और दवाई आपको हेल्प करती है। अगर आप पहाड़ पे जाएं और कूदने के बारे में सोचें और सोचें कि ओ भगवान मुझे बचा लेंगे, मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं छलांग लगा देता हूँ, तो इसमें आप बेवकूफ़ होंगे। भगवान आपको नहीं बचाएंगे, आपको अपने एक्शन खुद से सोच के लेने चाहिए कि अगर आप बीमार हैं दवाई नहीं खाएंगे तो नहीं ठीक होंगे। अगर आप सोचेंगे कि बीमार हूँ दवाई नहीं खाऊंगा, अपने आप भगवान कर देंगे, नहीं, आपको अपनी बॉडी को प्रिजर्व करना पड़ेगा खुद से। अब आप देखें कि आप क्या करेंगे जिससे आपकी सेहत और आपकी बॉडी अच्छी रहे। इसके बाल भी बहुत लंबे हो गए, वैसे तो स्टाइलिश है बट कटिंग करानी पड़ेगी। सो मैंने लगाया है थोड़ा सा कंडीशनिंग ऑयल। अब मरने तो ना उल्टी का फिक्सिंग द आई ग्रोथ विद द स्वेट स्वेट with this paper. Okay. You look so ugly and handsome. All right, प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अपने प्यारे प्यारे विचार मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। कमेंट बार में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। मुझे आपके मैसेजेस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें, आप बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं और इस ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें उसके लिए बस सोच क्रिएट करनी है एंड एक्शन लेना पड़ेगा। आसान है ना? आसान है। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय।